आखिर क्यों इलॉन मस्क मार्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहते हैं? आइए जानते हैं। दरअसल इलॉन मस्क का सपना है मार्स पर इंसानों की कॉलोनी को बसाने का, लेकिन मार्स का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा है जो कि इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से वहां के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इलॉन मस्क का मानना है कि हमें मार्स पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना चाहिए, और इसीलिए वो करीब 10,000 न्यूक्स को मार्स के दोनों पोल पर फोड़ने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से मार्स पर मौजूद जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा, जिससे मार्स पर भी पृथ्वी की तरह रहने लायक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा।